हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के आलोचना करब जापानी तेलर विषय निये। तो ये जापानी तेलटी निये अनेक बंधुदेर मने अनेक रकम प्रश्न रही छे। ये जापानी तेलटे यूज कर ले कि लिंग शक्त हय? ये जापानी तेलटी व्यवहार कर ले लिंग कि मोटा हय? ये जापानी तेलटी व्यवहार कर ले लिंग कि बड़ हबे? ये जापानी तेलटी कीसर जो व्यवहार करा हय? तो आजकेर भिडियोते आमी अपनादेर सठिक तथ्य जानाबो। ये जापानी तेलेर सठिक व्यवहार विधि कि, कोन-कोन समस्याय एटी आपनारा व्यवहार करते पारबेन, एटा व्यवहार करले कि लाभ पावा जाय, जापानी तेलटी व्यवहार करार पर कोन रकम साइड इफेक्ट बा क्षति होते पारे कि ना, ये समस्त किछु जानते आपनारा भिडियोटा स्किप ना करे शेष पर्यन्त देखते थाकें। और आपनी जदि आमार चैनेले नतून दर्शक होये थाकें ताहले चैनलटी अवश्य सबस्क्राइब करे पाशे थाका बेल आइकनटी अन करे नोटिफिकेशन अल करे दिन। तो बंधुरा, एई जापानी तेलटी मार्केटे अनेक जनप्रिय एकटी तेल, अनेके किन्तु एर नामो जानेन, आपनारा टीभिते निउजपेपारे एर एडो देखेछेन, यूट्यूबे अनेक एर भालो भालो रिव्यू देखते पाबेन, किन्तु आपनारा अनेके एर सठिक व्यवहार विधि जानेन ना। जापानी तेलटा होच्छे एकटा आयुर्वेदिक तेल, एटी आपनारा जे कोनो ओषुधेर दोकान बा ड्रागिस्ट दोकान थेके खूब सहजे किनते पारबेन बा पार्चेस करते पारबेन। एई जापानी तेलटी 15 ml पैकिंगे पावा जाय। 15 ml पैकिंगेर बर्तमान दाम भारतीय मुद्रार 190 टाका, बांग्लादेशे दाम एकटू बेशी हबे। एई जापानी तेलेर सठिक व्यवहार विधि कि, जखन कोनो पुरुष कोनो महिलार संगे फिजिकल रिलेशन बा जौनमिलन करते चाय, तो आजकेर दिने अनेक पुरुषेर लिंग तारातारी उठते चाय ना, जखन जौनमिलन करे द्रुत हरमोन बेरिये जाय, एकबार जौनमिलन करार पर आर द्वितीयबार लिंग उठते चाय ना। तो बंधुरा, द्रुत लिंग उठानोर जन्य ए जापानी तेलटी जदि मिलन करार आगे 7 থেকে 8 ফোঁটা जापानी तेलटी निये सम्पूर्ण लिंगे मालिश करा जाय, ताहले लिंग द्रुत उठबे, लिंग शक्त हबे, अनेक समय धरे जौनमिलन करा सम्भव हबे। तो बंधुरा, ए जापानी तेलटी व्यवहार करले लिंग शक्त हबे ना, लिंग मोटाओ हबे ना, आपनार लिंग बड़ो हबे ना। तो आपनारा एतदिन जानतेन सेटा भूल धारणा बा भूल तथ्य। तो आजकेर पर आपनारा सावधान हये जान, ना होले आपनार विशाल बड़ो क्षति होते पारे। ए जापानी तेलटी व्यवहार करबेन सप्ताहे मात्र 2 থেকে 3 দিন, এর বেশি করবেন না। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটি দেখে আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা ভিডিও নিচে লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন।